एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, आज का व्लॉग जो है वो एक सरप्राइज़ से रिलेटेड है। और मुझे एक कंपनी से जिसमें सलमान के फ्रेंड काम करते हैं एकदम मिला सरप्राइज़, और उन्होंने एक्चुअली मुझे भेजा है गिफ्ट। तो मैं आज आपको वो दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और उन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें भेजी हैं जी। तो अब देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या कुछ शामिल है। इसमें शामिल हैं दो मास्क, और इसमें शामिल है जो है ये लिप पेंसिल्स, आई पेंसिल नहीं, दोनों सॉरी आईलाइनर, दोनों आईलाइनर। और ये है एक पील ऑफ मास्क विद कारकोल, ट्राई करूँगी मैं इंशाल्लाह। और इसमें है एक और असेंस मास्क पर, एक्चुअली उनकी कंपनी जो है वो ये बनाती है, इस वजह से उन्होंने जो है सैंपल्स और जो भी हैं मुझे भेजे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। फ्रूट वेजिटेबल फेशियल मास्क है। इसके अलावा क्या है, लिप टिंट, ये उन्होंने मुझे जो गिफ्ट भेजा है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा एक तो ये था, और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा एक ये मास्क भी है वाइट फ्लावर्स वाला। और इसके अलावा क्या शामिल है, इसके अलावा जो उन्होंने मुझे भेजा है वो है ये शूज़, ये वाले शूज़ भेजे। आप प्राइस पढ़ सकते हैं, ये वाले शूज़ उन्होंने मुझे भेजे हैं, और ये आप देख सकते हैं इसकी हील, बहुत ज़बरदस्त शूज़ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। इस तरह से ये आया है मेरा गिफ्ट। व्लॉग मैंने जाने का भी बनाना था गाड़ी में, कि मैं जाऊंगी जाके और रिसीव करते वक्त भी, क्योंकि मुझे सलमान ने कहा था कि तुम भी चलना ताकि तुम जो है खुद से रिसीव करोगे तो ज़्यादा खुशी होगी। आपको पता है कहीं से कोई भी चीज़ आ जाए तो कितनी खुशी होती है। और ये मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए, और ये उनकी तरफ से था मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट। जी व्यूवर्स, दोपहर का टाइम था और अब हम अम्मी की तरफ आ गए हैं। मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि सिस्टर ने मुल्तान जाना है, और उसको मिलने के लिए हम लोगों ने आना था। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ यही ट्रेंड है कि लड़कियों को ससुराल में भी रहना पड़ता है, और ये बहुत अच्छी बात है। अम्मी के घर, माँ बाप का घर के बात और होती है, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे इंसान अपनी मर्ज़ी और ऐश कर सकता है, लेकिन ससुराल में भी सारी बातें इंसान को रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें निभानी पड़ती हैं। तो वो मुल्तान जा रही है, तो हमने सोचा कि हम उसको मिल लिया जाए। और अभी वो पैकिंग कर रही थी, और यहाँ पे बच्चे जो हैं साथ ही खेलने लग पड़े, और जो मुस्फिरा है वो भी खेलने लग पड़ी है जिक्रा के साथ। और वो मुस्फिरा तो पहले से ही कह रही है कि मामा वो जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, वो क्यों जा रहे हैं, इस तरह के बच्चे सवाल भी करते हैं, आपको पता है। ज़ाहरी बात है हम बहुत ज़्यादा वाकई उदास हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे आपस में, एक बच्चों का जो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़न भी किया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब सिस्टर जा रही है, बहुत ज़्यादा अजीब भी हो रहा है, और जब वो आती है तो हम इकट्ठे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, मज़ा करते हैं बच्चे ख़ास तौर पे एक दूसरे के साथ। लेकिन अब वो जा रही है तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा बचपन भी याद आ जाता है
कि माँ बाप के घर में किस तरीके से जो है इकट्ठे हम होते थे और इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे सोते थे। और मेरी सिस्टर ने हमेशा एक बड़ी बहन के मतलब रूप में जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड किया है। और मैं यही कहूँगी कि जहाँ रहे खुश रहे और खैर खैरियत से जाए अपनी अपनी मंजिल को। और मैं और ये यही उसने पहन कहूँगी ली है कि अब कैटी, इसको इस और मैं इसकी अपनी ले टाइम रही टॉय जो हूँ। है वो पिक्चर खाला में ने जाए पहनाया देखो। है, क्योंकि मिनिशा को कैटी बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है और खाला ने ये गिफ्ट उसको दिया है कैटी का, और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। और बस अब खाला को जाने का टाइम है, और मैं यही कहूँगी कि बस वो खैर खैरियत से जाए और हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी सिस्टर को भी और हम सबको। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें मुझे। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।